भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर डी वर्ण। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए का ख। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी डाढ़। निम्नलिखित में से कौन से अल्पप्राण वर्ण हैं? ऑप्शन नंबर बी का ग। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नंबर बी ई वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी अन आह। निम्नलिखित में से कौन सा द्वित व्यंजन है? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी संघर्षी। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी मा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर ए का। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन नंबर बी अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कंठ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है?
ऑप्शन नंबर बी ज्ञा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 33। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? ऑप्शन नंबर ए बड़ा आ। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर सी तालव्य।